नमस्कार, मैं हूं अमित सिरोटी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस राजस्थान। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम 6 महीने में छप्पर फाड़कर रेवड़ियां बांटी थी। मुफ्त योजनाओं के साथ देश के बड़े उद्योगपति अडानी समूह को प्रदेश के अलग अलग जिलों में सस्ती दर पर 75,000 बीघा जमीन दी थी। 25,000 बीघा जमीन का आवंटन तो कैबिनेट की बैठक में किया गया। पिछले 3 साल में गहलोत सरकार ने कुल 441 संस्थाओं को सस्ती दर पर ज़मीनें आवंटन की थी। अब भजनलाल सरकार इस मामले की जांच करवाएगी। जांच के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया। मंत्रिमंडल का गठन होने के तुरंत बाद जांच शुरू हो जाएगी। सस्ती दर पर ज़मीनें आवंटन का काम जून 2020 से ही शुरू हो गया था। 3.5 साल में 441 संस्थाओं को ज़मीनें अलॉट की गईं। अधिकतर संस्थाएँ कांग्रेसी विधायक और नेताओं की सिफारिश पर संस्थाओं और ट्रस्टों को आवंटित की गई। सिर्फ जयपुर ज़िले में 300 से अधिक संस्थाओं को ज़मीन अलॉट की गई। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सितंबर 2023 में जयपुर में 29, जोधपुर में 44, उदयपुर में 27, कोटा में 21, बाड़मेर में 18, बीकानेर में 12, भीलवाड़ा में 10, भरतपुर में 9, अजमेर में 8, सवाईमाधोपुर में 6, पाली में 5, सिरोही, केकड़ी और बालोतरा में 4-4, अलवर और हनुमानगढ़ में 3-3, जैसलमेर में 2, श्रीगंगानगर, बूंदी, फालौदी, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा और सीकर में 1-1 भूखंड का आवंटन एक ही बैठक में कर दिया गया। 20 सितंबर 2023 को कैबिनेट बैठक में 200 से अधिक समाज संस्थाओं को भूमि आवंटित की गई। 2 अक्टूबर 2023 को 80 समाजों को जमीन आवंटन का फैसला लिया गया। 20 नवंबर 2022 को जयपुर शहर में केवल 2 संस्थाओं को ही 5 लाख वर्ग मीटर से ज़्यादा करीब 200 बीघा ज़मीन का आवंटन किया गया। 670 करोड़ रुपए की ज़मीन महज 70 करोड़ में आवंटित की गई। 7 मंत्रियों की मंत्रिमंडलीय एम्पावर्ड कमेटी ने ज़मीन आवंटन पर मोहर लगाई। इन ज़मीनों को आरक्षित DLC दर 194 करोड़ थी, लेकिन सियासी दर महज 70 करोड़ रुपए में आवंटन कर दिया गया। ज़मीन की बाजार कीमत 670 करोड़ रुपए है। जयपुर के दिल्ली रोड पर साइंस टेक सिटी दिल्ली रोड के लिए 4,04,164 वर्ग मीटर, सिरोली के पास गोनेर में 64,122 वर्ग मीटर सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के लिए दी गई। गोनेर में इसी ज़मीन के पास 31,333 वर्ग मीटर रेजिडेंशियल भूमि हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए आवंटित की गई। मेट्रो एंक्लेव B2 बाईपास पर 8,138 वर्ग मीटर ज़मीन गैस्ट्रो एवं कैंसर अस्पताल के लिए आवंटित की गई। सितंबर 2023 में मंत्री की अध्यक्षता में भीलवाड़ा और शाहपुरा में कई संस्थाओं को 1/3 दर पर ज़मीनें दी गईं। ओम शांति सेवा संस्थान को 1,000 वर्ग मीटर, स्नेह समर्पण फाउंडेशन भीलवाड़ा को 871 वर्ग मीटर, न्यू लुक एजुकेशन सोसाइटी भीलवाड़ा को 6,000 वर्ग मीटर ज़मीन, गौतम संस्थान शाहपुर को 1,500 वर्ग मीटर ज़मीन और अंजुमन शरीफिया शिक्षण संस्थान शाहपुरा को 6,027 वर्ग मीटर ज़मीन दी गई। इस तरह अलग अलग समाजों को छात्रावास और अन्य सामाजिक कार्यों के लिए भी ज़मीन आवंटित की गई। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल भारत एक्सप्रेस राजस्थान। नमस्कार।